नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। इस साल आईपीएल 2024 की कई टीमें व प्लेयर सुर्खियों में है, जिसमें 5 बार रही चैंपियन मुंबई इंडियंस भी शामिल है। मुंबई इंडियंस का यह सीजन उम्मीदों भरा माना जा रहा है, लेकिन इसका अंत बड़ी निराशा के साथ हो रहा है। मुंबई इंडियंस का आखिरी मैच लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ है, लेकिन मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर हो गई है। अब उनका एक ही लक्ष्य होगा कि वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे जाने से बचे। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस न सिर्फ मैदान पर हार रही है, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी मनमुटाव की खबरें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम रोहित शर्मा को वापस लाने के पक्ष में है, जबकि विदेशी खिलाड़ी मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या के समर्थन कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के टीम डेविड ने हार्दिक को टीम की मजबूत नींव बताया है। देखे रिपोर्ट। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोहित और हार्दिक ने इस आईपीएल में शायद ही कभी एक साथ नेट प्रैक्टिस की हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मैच की पूर्व संध्या पर हार्दिक को देखने के बाद रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा नेट्स छोड़कर चले गए। हार्दिक और रोहित दोनों की फॉर्म भी चिंता का विषय है। हार्दिक का बल्ला इस सीजन खामोश रहा है और रोहित ने भी टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में फॉर्म खो दी है। अगर इन दोनों दिग्गजों के बीच रिश्ते नहीं सुधरे तो अगले साल होने वाले मेगा ऑक्शन को देखते हुए मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं। इन 13 मैचों में उन्होंने 144.93 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 200 रन बनाए हैं। लीग का अब सिर्फ एक मैच बचा है और हार्दिक के बल्ले से इस सीजन में न तो अर्धशतक निकला है और न ही शतक। रोहित शर्मा ने भी इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं। इन 13 मैचों में उन्होंने 145.42 की स्ट्राइक रेट से 349 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है, हालांकि रोहित ने शतक जरूर लगाए हैं। यह था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।